इस वक्त हम आतिथ्य रेस्टोरेंट में हैं, जहाँ पे बिल्कुल कोंकणी वेजिटेरियन चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको गेट पे दिखाया था, यहाँ पे कोंकणी प्राचीन कोंकण स्पेशल जो है उड़की चे मोदक, मतलब स्टीम्ड मोदक, सोल कड़ी और भाजनी चे थालीपीठ। ये भाजनी चे थालीपीठ जो है ये है, जो कि मतलब 5 दाल से मिला करके बनाते हैं, और इसको रेस्टोरेंट को चलाते हैं और बनाते हैं हमारे साथ अजय घानेकर जी। अभी देखते हैं अजय जी ने क्या बनाया है और कैसे उसको है। इतना मीन टाइम हम आपको इनके रेस्टोरेंट की एक लुक दे देते हैं। देखिए बिल्कुल कितना सारा प्राचीन के अंदर ये इस तरीके से पहाड़ी के ऊपर बना हुआ रेस्टोरेंट है। कभी भी आप गणपति फूले आएँ तो प्राचीन कोंकण जरूर आइए। और ये देखिए सारा पीछे समुंदर है, और इस रेस्टोरेंट के अंदर आकर के अजय जी से मिलिए, और आतिथ्य रेस्टोरेंट के अंदर ये भाजनी की थाली पीठ और आलू बड़ी और खींचे मोदक वगैरह जरूर खाइए। आइए देखते हैं, ट्राई करते हैं। हाँ हाय फ्रेंड्स, इस वक्त हम प्राचीन कोंकण के रेस्टोरेंट में हैं, और प्राचीन कोंकण के रेस्टोरेंट में ये भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं। अरे ये क्या है? ये थाली पीठ है। थाली पीठ क्या होता है? इसमें कैसे क्या क्या है? दाल का आटा बनते हैं, आटे से बनते हैं। दाल का आटा आटे से बनता है। कितने किस्म की दाल है? पांच तरह। इसमें 5 तरह की दाल से बनाते हैं, उसको थाली पीठ बोलते हैं। और ये क्या है? ये मोदक, उबले हुआ मोदक ही बनते हैं। अच्छा, ये स्टीम्ड मोदक है? स्टीम मोदक है। बहुत सुंदर है। गुड़ और नारियल का इसमें मिला है। और ठीक है, ये क्या है? ये नारियल की चटनी है। नारियल की चटनी, ये इसके साथ खाने के लिए? साथ खाने के। और ये सोल कड़ी, नारियल का जूस होता है, नारियल के जूस में और कोकम मिला करके सोल कड़ी बना रहे। ये कोकन का बिल्कुल ट्रेडिशनल वेजिटेरियन है ना। इस थाली को क्या बोलते हैं हम लोग? इधर ये भाजनी चे थाली भाजनी थाली पीठ बोलते हैं। मोदक उकड़ी चे मोदक अनी सोल कड़ी। हाँ ठीक है, धन्यवाद। खा के देखते हैं इसको कैसा है। पहले सोल कड़ी थोड़ी टेस्ट करते हैं। आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया। अभी ये दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, नो मैच, वेरी टेस्ट। अभी स्टीम्ड मोदक ट्राई करते हैं। इसमें शायद गुड़ का है, मीठा हुआ। मीठा अद्भुत।